जहाँ तक बात करें कि इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज हम लोगों के साथ रखी थी, जिस तरह एमनेस्टी स्कीम्स हम लोगों को दी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, प्लस एफएटीएफ वगैरह हम लोगों के साथ, इन लोगों ने पॉलिसी दी हमारी जिससे बहुत अच्छा टैक्स की कैलकुलेशन हुई और इसके अंदर जो जितना भी आइडेंटिफाई हम लोग कर सके काली भेड़ों को तो निकल चुकी थी। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है क्योंकि हम लोग देखें जिस तरह आप लोगों की ग्रोथ हुई है रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, तो अच्छी पॉलिसीज थी तो ग्रोथ हुई है ना। नया पाकिस्तान के नाम से स्कीम लॉन्च हुई, इसके अलावा और आपकी जितनी भी स्कीम थी मोटरवे की, आप देख लें कि कितने बड़े बड़े चैनल्स आप लोगों के पास खुल गए हैं। अब लास्ट फेज के अंदर मोटरवे का भी सारा सिलसिला आ गया, सी पैक आपके मुल्क के अंदर चल रहा है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स ही हैं जो कि रियल स्टेट साइड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। गवादर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपके मुल्क के अंदर जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो आप ये सारी चेन को एक दफ़ा फॉलो करें तो डेवलपमेंट आपको नज़र आती है, और डेवलपमेंट होती सिर्फ एक ही वजह से है जो कि आपकी अच्छी पॉलिसीज, और उम्मीद यही है कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो हमारे लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगी। गारंटी की अगर आप बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं इस वे में ही बात करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग के दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लोग जो देख रहे होते हैं मार्केट के अंदर। एक तो होती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और एक होता है जो हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है जैसे कि रियल्टर है कोई, प्रॉपर्टी डीलर जिसको बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर आप दोनों साइड्स पर अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो गारंटी आपको मिलती है क्लाइंट को देखने, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो ये देखेगा सबसे पहले कि वो एक इंडिविजुअल के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जिसके पास कोई सिक्योरिटी एसेट, जिसके बैकएंड पे कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है, वो कोई उसको सिक्योरिटी इसका प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो उसको चीज़ परचेज करके देगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उस वे में कि उस क्लाइंट को वो काम मिलेगा किस तरह होगा सारा, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को एक माइंड में रखनी पड़ती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बड़ी कंपनी के साथ जा रहे हो, जस्ट लाइक अगर आप मैं बात करूँ अपनी कंपनी की ट्रिपल ए की, एक बहुत ह्यूज स्केल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं सारा, ठीक है, और मार्केट में ऐसा बहुत सी कंपनीज भी होंगी जो काम कर रही हैं, तो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी सबसे पहले ये चेक करनी पड़ती है कि उनके बैकएंड के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मार्केट में क्या उनका रिटर्न क्या रहा है उस प्रोजेक्ट बेस पे, इन्वेस्टमेंट रेट के ऊपर सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए जो अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट एक ट्रस्ट करके किसी कंपनी पे या एक इंडिविजुअल पर लगा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें एक क्लाइंट को अपने माइंड में रखना पड़ेगी वाइल इन्वेस्टिंग दोनों वेज। नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आप बात करेंगे, नेशनल सेविंग स्कीम जो है बेसिकली वो एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न उसी पैसे से आ रहा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही पैसा आपको रिटर्न में वापस आ रहा है, एंड लोगों के माइंड में होता है कि यार हमें 33% एनुअली रिटर्न आ रहा है उसका, लेकिन उनको ये चीज़ आइडिया नहीं है बेसिकली कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एंड ऑफ द डे जब उनको वापस पैसा मिलता है उस चीज़ से, तो वो इन्वेस्टमेंट अराउंड अबाउट 12% उनकी रह जाती है rather than 30% या 33%। आजकल का अगर आप रेट देखें तो 38% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है जिसपे आपकी डी वैल्यू हो रही है करेंसी, बेसिकली आपकी जो जा रही है करेंसी का डी वैल्यू होने का मतलब यह है कि ये जो स्कीम्स है सारी गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो उस रेट पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि आप एक रियल स्टेट के अंदर आप उस पैसे को लेके जा सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वही ऑन दी अदर हैंड अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी कंपनी के साथ कर रहे हो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस बेस पे आपको जो रिटर्न्स आ रहे हैं इन बोथ वेज आ रहे हैं, जो आपका कवर कर रहा है वो वाला लॉस जो आप नेशनल सेविंग स्कीम से आप लॉस ले रहे हो, तो जिस तरह के उसमें आपको 15% रिटर्न अगर आ रहा है और आपका वो जो 15% का लॉस हो रहा है जो बंदा एक अंडरस्टैंड कर सकता है इस चीज़ को बड़ी इजीली, वो ही आपका पूरा का पूरा 30-33% आपको बेनिफिट दोनों साइड वेज में मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक अच्छा बेनिफिट, रेंटल रिटर्न, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी ऊपर जा रही है ओवर द टाइम पीरियड, तो दोनों वेज में आप प्रॉफिट में हो इन रियल स्टेट। कैपिटल गेन एज इन उसमें कोई भी नहीं है क्योंकि वो आप ही का पैसा आप ही को रिटर्न कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड। इधर का कैपिटल गेन दोनों वेज में आ रहा है एज अ रेंटल बेस भी, और आपकी जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर जो एप्रिसिएशन जा रही है वो भी अलहदा प्रॉफिट है आपके लिए। तो दोनों को अगर आप देखो तो दोनों वेज में रियल स्टेट सबसे ऊपर इस टाइम पे आपको लेके जा रहा है।